नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप आप सब अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे होंगे। आज की वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें बायो एंजाइम के रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स होते हैं। इसे भाई कैसे बनाया जाता है, इसे कितने टाइम तक रखना पड़ता है, क्या ये सच में टॉयलेट को, फ्लोर को, सिंक या हमारे जो भी अदर सरफेस है उनको अच्छे से चमका के साफ़ करते हैं या सिर्फ ये एक बहुत बड़ा ब्लफ है। तो जानते हैं इसकी एफिशिएंसी। और इस वीडियो में मैं सारे डाउट भी क्लियर करने वाली हूँ। हम सफाई करने वाले हैं बायो एंजाइम के साथ, हम बायो एंजाइम को बनाना सीखने वाले हैं, किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब नहीं पता है, आप बायो एंजाइम के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैं ब्रीफली बताती हूँ कि बायो एंजाइम होते क्या हैं। बायो एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल क्लीनर्स होते हैं जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। और इसे बनाने में लिटरली आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप सिर्फ नींबू के छिलकों को इकट्ठा कीजिए या फिर मौसमी के छिलके या संतरे के छिलकों को इकट्ठा करके एक कटोरी में रखिए। एक कटोरी में गुड़ लीजिए, गुड़ का पाउडर जो होता है वो लीजिए अच्छे से, और उसका 10 गुना पानी लीजिए। एक बॉटल में डालिए, प्लास्टिक की जो बॉटल होती है 1 लीटर वाली, और इसे 3 महीने के लिए स्टोर कर दीजिए। और इनिशियली जो वीक्स होंगे आपके, 3 से 4 जो वीक्स होंगे, उसमें रोज़ आपको उसके कैप को खोलना है दिन में 2 बार, ताकि हवा पास होती रहे। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ आएगा तो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है कैप को खोलने की, उसे थोड़ा कम कर दीजिए, एंड देन 3 मंथ में बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने बायो एंजाइम ये वाला जो बनाया है, इसका पूरा जो भी प्रोसेस किस तरह से मैंने बनाया है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, वो सब मैंने इसी वीडियो में आगे डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा किस तरह से मैंने इस बायो एंजाइम को बनाया। अब हमने इसे बना तो लिया, राइट, इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करने की बारी है, मतलब अब बारी है इसकी अग्नि परीक्षा की। क्या ये हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? क्या सच में ये मार्केट में मिलने वाले जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं, जो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, हमारे फ्लोर्स को, हमारे टॉयलेट को इतना चमचमाता हुआ सफ़ेद कर देते हैं, इसकी बड़ी बड़ी एड्स भी आती हैं, क्या उस कंपैरिजन में ये हमारा हीरो है या फिर ये एक ज़ीरो प्रोडक्ट है? तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। और 2 हफ्ते से मैंने अपने जो टॉयलेट के साथ में सिंक है उसे साफ़ नहीं किया है, तो बहुत गंदा हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिए कि मैं सफाई नहीं रखती हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, मतलब सलाम है इसको, इसने बहुत अच्छे से साफ़ किया है। मार्केट में मिलने वाले जो क्लीनर्स हैं उसके कंपैरिजन में इसने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरा जो सिंक है, हो सकता है वीडियो में वो साफ साफ दिख ना रहा हो, बट इन रियलिटी वो बिल्कुल जितना गंदा सिंक था, पूरा वाइट चमचमाता हुआ उसका सरफेस हो चुका है। तो भाई मैं तो इस प्रोडक्ट को 10/10 देना चाहूँगी। ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है मेरी नज़र में। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब ना ही आपको इससे हार्म होगा। आप चाहे तो इसे अपने फेस पे भी लगाओगे ना, तो उससे कुछ भी आपको हार्म नहीं होगा। इट इज़ वेरी नेचुरल, इसी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। और जब ये हम इससे सफाई करते हैं और ये नालियों में जाता है, तो आगे जाके नालियों में जो गंदगी है, जो क्लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये वाटर पॉल्यूशन को भी कम करेगा, मतलब इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर देखा जाए तो ये टॉयलेट क्लीनर्स या फ्लोर क्लीनर्स के मामले में ये गॉड है, एक गॉड प्रोडक्ट है इन द मैटर ऑफ क्लीनर्स। तो भाई मैं तो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, इसको बना के इसको यूज़ करना। इट्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये बहुत एफिशिएंट भी है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। आई होप आप इसकी एफिशिएंसी देखने के बाद ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे, एक्साइटेड हुए होंगे इसको ट्राई करने के लिए। तो आपके लिए मैंने इस वीडियो में कुछ क्लिपिंग्स ऐड की है 3 महीने पहले की, जब मैंने इसे बनाया था, वो सारा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड किया है। तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक देखिए, उस प्रोसेस को जानिए किस प्रोसेस से बनाया गया है। और बायो एंजाइम को लेकर आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं,
इसे कैसे बनाया जाता है, किस बायो एंजाइम को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, किन किन मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकते हैं बायो एंजाइम बनाने के लिए, वट एवर डाउट्स एंड क्वेश्चंस यू हैव आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग इट जब तक आप इसे बनाना नहीं सीख लेते, क्योंकि अभी वीडियो आगे बची है जिसमें पूरा प्रोसेस डिस्कस किया गया है.